hello students we will study about the chapter of social studies that is civics chapter number 4 the police administration and the courts means police procession or adalat so let's start the new chapter in the previous chapter we have discussed the functioning and working of the indian judiciary in detail in this chapter we will discuss the key elements of the indian judiciary विच प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन स्मूथ वर्किंग ऑफ वेरियस जुडिशियल प्रोसेसिस हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था और डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो भारतीय न्यायालय है डिटेल में पढ़ा था कि किस तरीके से काम करता है और अब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे तत्वों को न्यायालय के भारतीय न्यायालय के तत्वों को जो कि एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है ताकि जो अलग तरीके के जो न्यायालय के काम होते हैं वो बहुत ही स्मूथली चलते हैं तो उसमें उसकी बहुत अहम भूमिका होती है तो हम वो पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ द कोर्ट यानी कि अदालत का रोल यानी अदालत का क्या अभिनय होता है वो हम देखेंगे द कोर्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग जस्टिस टू द पीपल एट वेरियस लेवल लेवल्स It punishes the criminal so that people may lead a life of peace and prosperity. The court also helps in the smooth working of the democratic government by exercising constitutional constitutional limits on the extent of government power. It acts as the guardian of our constitution and protects our fundamental rights. आपने देखा होगा कि जो अदालत है वो बहुत ही अहम भूमिका मतलब प्ले करती है न्याय दिलाने में लोगों को आ, अलग अलग स्तर पर और उनको जो क्रिमिनल होते हैं दोषी होते हैं उनको पनिश भी करती है ठीक है उन्हें मतलब यानी कि सजा भी दिलवाती है और लोगों की जिंदगी में शांति बनी रहे तो वो भी देखती है तो जो अदालत है वो आ, हमारे लोकतंत्र में हमारी लोकतंत्र सरकार है उसका काम बहुत ही स्मूथली चलता रहे इसके लिए बहुत अहम भूमिका निभाती है जो हमारे संवैधानिक कुछ लिमिट्स हैं जो गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट की शक्तियों द्वारा उन्हें प्राप्त हुई है ताकि एक चीज़ें जो हैं एक अपनी कंट्रोल में रहें और काम भी बहुत स्मूथली चलता रहे तो उसमें कोर्ट की बहुत अहम भूमिका होती है एज अ गार्जियन वो संविधान हमारा काम करता है और लोगों के मानव अधिकारों की रक्षा करता है रोल ऑफ द पुलिस यानी पुलिस का अभिनय द पुलिस इज द इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इट इज एन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एंड एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द क्रिमिनल एंड द कोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ द कन्वीनियंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन द स्टेट इज डिवाइडेड इन टू अ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्स पुलिस जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण पिल्लर है प्रशासन का यानी कि एक कह सकते हैं प्रशासन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण खम्भा है जो कि इसको बनाए रखता है और एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूप में ये कार्य करता है यानी कि छानबीन एजेंसी के रूप में काम करता है और क्रिमिनल और अदालत यानी कि जो दोषी होता है और अदालत के बीच की कड़ी के रूप में काम करता है और हर तरीके की सुविधा के लिए कि प्रशासन में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए इसीलिए राज्य को Uh, कुछ जो राज्य के ज़िले हैं उनको कुछ डिस्ट्रिक्ट डिवाइड किया गया है बाँटा गया है प्रशासन को तो यहाँ पर कुछ पद दिए गए हैं जिला पुलिस के वो बताए गए हैं जैसे कि सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एस डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी डी इंस्पेक्टर और स्टेशन हेड ऑफिसर यानी एसएचओ सब इंस्पेक्टर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल एंड चौकीदार तो ये पदवियां हैं कुछ दी हुई हैं हमारी पुलिस प्रशासन की उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो है जेलर एंड डिप्टी जेलर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल द हाइस्ट पुलिस ऑफिशियल एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज द सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ईच डिस्ट्रिक्ट इज डिवाइडेड इंटू सिक्स टू एट सर्कल्स एंड ईच सर्कल इज पुट अंडर द सुपरविजन ऑफ द डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि जो जिला कलेक्टर होता है वो जिम्मेदार होता है हर कानून व्यवस्था को मेनटेन रखने के लिए जिला स्तर पर और जो हाइएस्ट पुलिस ऑफिशियल होता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होती है वो देखते हैं उसको और हर एक जिले को डिवाइड किया सा डिवाइड किया जाता है बांटा जाता है छः से लेकर छः से आठ सर्कल्स में और हर एक सर्कल जो होता है उसका सुपरविजन जो है डिप्टी सुपरिटेंडेंट और पुलिस के अंडर में होता है यानी डीएसपी के अंडर में होता है एटलीस्ट टेन पुलिस स्टेशन नून आज आर पुट अंडर ईच सर्कल ईच पुलिस स्टेशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एन इंस्पेक्टर there are other officials in thanas example sub inspector, assistant inspector, hand constable etc. they all work under the supervision of the inspector. chowkidars are appointed at village level and they help the police to catch the criminals. कम से कम जो दस police station होते हैं वो thanas के नाम से जानते हैं और इसमें से हर एक जो circle होता है वो इसके under में आता है तो हर एक police station जो है इसके Uh, इंस्पेक्टर के कंट्रोल में होता है और जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं थाने के अंदर जैसे एग्जाम्पल सब इंस्पेक्टर असिस्टेंट इंस्पेक्टर हेड कॉन्स्टेबल ये सब उसमें काम करते हैं तो ये सब जो भी काम करते हैं वो इंस्पेक्टर के सुपरविजन में होता है और चौकीदार जो है वो ग्रामीण स्तर पर उसे अपॉइंट किया जाता है जो कि पुलिस की मदद करता है क्रिमिनल को पकड़ने में देयर इज जेल इन ईच डिस्ट्रिक्ट Under the supervision of jailer, the deputy jailer assists the jailer. The main function of the police is to investigate the complaint lodged against the crime done. The main aim of this investigation is to record the statement of witness and collect evidence related to the crime committed. It is not the duty of the police to decide whether a person is guilty or not, it is the court that decides who is guilty. यानी कि यहाँ पर जो जेल होता है वो जिला के अंडर में होता है और इसका जो सुपरविजन है इसकी देख रेख जेलर करता है और डिप्टी जेलर जो होता है वो जेलर को असिस्ट करता है उसका सहायक होता है अब यहाँ जो मेन फंक्शन है पुलिस का जो काम है वो है जो भी कं कंप्लेन लॉन्च कराई जाती है तो जो भी क्राइम हुआ होता है उसके प्रति जो वो इन्वेस्टिगेशन है, करते हैं यानी छानबीन करते हैं अब उनका मेन लक्ष्य ये होता है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन वो कर रहे हैं वो रिकॉर्ड करें उस स्टेटमेंट को और जो भी गवाह वगैरह हैं सबूत हैं वो इकट्ठा करें ठीक है उसके बाद उनकी ड्यूटी ये नहीं होती है कि वो डिसाइड करें कि, कि किस पर्सन को उनको सज़ा देनी है किसको नहीं देनी है ठीक है ये सब जो है कि कौन किस व्यक्ति को सज़ा दी जाएगी या किस कौन बेकसूर है ये कोर्ट डिसाइड करता है यानी कि अदालत डिसाइड करती है the court has instructed the police follow the guidelines at the time of arrest are as follow not down the crime not down the time and pro uh, proper place not to torture beat shoot anyone during the investigation process to conduct investigation in accordance with law to show full respect for human rights यानी कि जो अदालत होती है वो प्रॉपर पुलिस को इंस्ट्रक्शन देती है कि जब आप अरेस्ट करेंगे किसी व्यक्ति को तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना है तो सबसे पहले तो नंबर वन है आपको टाइम नोट करना है और प्रॉपर जगह नोट करनी है और जब इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के दौरान में आप किसी को भी बुरे तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते किसी को मार नहीं सकते या फिर किसी को शूट नहीं कर सकते हैं ठीक है और जब भी आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वो आ, कानून के अनुसार ही करेंगे और साथ ही साथ आपको मानव अधिकारों का भी पूरा सम्मान करते हुए ये सारे कार्य करना है द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं उनका क्या रोल है यानी कि जो आ, वकील होते हैं ठीक है द पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज़ अपॉइंटेड एंड पेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट his main function is to be secure the prosecution of uh, offenders to keep the society free from crime. only those persons are uh, eligible to become the public prosecutor who have successful completely seven years in bar associations and have also cleared an examination that is conducted by the state government from time to time. यानी कि यहाँ पर बताया गया जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो अपॉइंट किए जाते हैं और उनका जो पेड होता है वो राज्य सरकारों के द्वारा होता है और इनका मेन लक्ष्य ये होता है कि वो जो एक अपना जो भी सज़ा देना दूसरों को जो भी प्रोसिक्यूशन के खिलाफ कार्य करते हैं उनको सज़ा देना और अपने समाज को क्राइम से फ्री करना है इनका ये लक्ष्य होता है ठीक है तो वो उन्हीं वो जो केवल वही पर्सन व्यक्ति होते हैं जो योग्य होते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के और जिन्होंने पूरा सात साल जो है बार एसोसिएशन का कंप्लीट किया होता है एंड एग्ज़ाम क्लियर किए होते हैं जो हर साल जो है टाइम टू टाइम मतलब जो स्टेट सर, राज्य सरकारें होती हैं वो कंडक्ट कराती हैं द पब्लिक प्रोसिक्यूटर फेसिस टू प्रेशर वाइल एग्जीक्यूटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ His and her role begin when the police has conducted the investigation and filed a charge sheet in the court. As a court employee, a public prosecutor has to act impartially and present true facts and evidence before the court does embelling the court to decide the case. यानी कि यहाँ पर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उन्हें बहुत बड़े बड़े प्रेशर दबाव जो है फेस करने पड़ते हैं उनके पास बहुत जिम्मेदारियाँ होती हैं जो भी ये रोल प्ले करता है जब इनका रोल शुरू होता है जब जो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कराई जाती है या चार्जशीट फाइल होती है कोर्ट में तो जो कोर्ट का एम्प्लॉय होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है पार्शली अपना एक्ट करता है एंड जो भी फैक्ट्स हैं वो रखता है अपने जो भी गवाह हैं या सबूत है वो रखता है उसके रखने से पहले ही जो है कोर्ट uh, को डिसाइड करना पड़ता है केस का रोल ऑफ द जज यानी कि जज का अभिनय द मेजर रोल ऑफ अ जज इज़ टू लिसन द डिटेल्स ऑफ द केस एविडेंसेस फाउंड एंड एनी एनी एंड एग्जामिन दूज्ड एज वेल एज विक्टिम he analyzes the case and given his decision in case of any possibility of other evidences or witnesses, he adjourns the court for a fixed period of time and directs the police for further investigation. The hearing is resumed till the final date of decision or verdict. यानी कि जो एक बहुत बड़ा role होता है judge का जब वो पूरी details को सुनता है सारे सबूतों को देखता है जो भी गवाह होते हैं उनको examine करता है और उसके बाद जो है विक्टिम को पर जो है ब्लेम करता है तो जो भी अगर उसको ऐसा लगता है कि और ऐसे गवाह हैं या सबूत है और मिल सकते हैं तो वो कोर्ट को अजर्न कर देता है कुछ समय के लिए ठीक है और पुलिस को दोबारा इन्वेस्टिगेशन के लिए बोलता है और अगली डेट जो है हेरिंग के लिए फाइनल डिसीजन जब तक नहीं देता है जब तक कि उसे पूरा लगता नहीं है कि वाकई में अब जो केस में और कुछ नहीं है या ऐसा कुछ लगता है तो वो टाइम देता है उसके बाद जब लगता है कि नहीं है तब वो अपना फैसला सुना देता है फाइलिंग एन एफ यानी कि जब हम जो रिपोर्ट दर्ज कराते हैं केस दर्ज कराते हैं एन एफ इज़ रिकॉर्डेड बाय द पुलिस ऑफिसर ऑन ड्यूटी गिवन आई बाय द एग्रीव्ड पर्सन और एनी अदर पर्सन अबाउट सम ऑफेंस Since it is very first information about the offense, it is uh, a named first information report. The information is written or recorded in the police station. With the filing of an FIR, the investigation into the crime begins. The incidents mentioned below will show you how important an FIR is and how to file it. तो यहाँ पर जब हम रिपोर्ट रिकॉर्ड करते हैं पुलिस के द्वारा या जो भी ऑफिसर ड्यूटी पर होता है उसके द्वारा ये रिपोर्ट लिखी जाती है और जो भी पर्सन सज़ा का हकदार है उसके खिलाफ ये रिपोर्ट लिखी जाती है और इसमें क्या है सबसे पहले उसका नाम लिखा जाता है जो भी लिखवा रहा है ये उस पुलिस स्टेशन में रिटर्न और रिकॉर्डेड होती है ये पुलिस स्टेशन में ये एफ और फिर जब रिपोर्ट एक बार लिख जाती है तो उसके आ, अगेंस्ट जो है क्राइम जब बिगिन हो जाता है शुरू हो जाता है एफ लिखने के बाद और जहाँ ये घटना हुई है उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन उस रिपोर्ट में लिखवानी होती है तो जब सारी रिपोर्ट्स में इंफॉर्मेशन आ जाती है तो एफ फाइल हो जाती है तो अब हम दिखाते हैं कि कैसे लिखवाई जाती है रिपोर्ट रोहन एंड एज फादर व गोइंग टू ट्रेड फेयर फ्रॉम लक्ष्मी नगर बाय देर न्यू कार ऑन द वे दे गॉड स्टक इन अ हैवी ट्रैफिक जैम रोहन और उसके पापा जो हैं एक व्यापार मेले में जा रहे थे लक्ष्मी नगर और अपनी नई कार में तो उसी रस्ते में काफ़ी ज़्यादा हैवी uh, ट्रैफिक जैम मिल जाता है जिसमें वो फंस जाते हैं मीनवाइल अ मोटरसाइकिल इज हिट दे कार फ्रॉम द बिहाइंड बेडली रोहन फादर गॉट एंग्री एंड फॉट विद हिम सडनली ही थाट ऑफ सम थिंग

हिट कर देता है तो रोहन के पापा को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके साथ लड़ने लगते हैं लेकिन अचानक से वो कुछ सोचते हैं और रुक जाते हैं लड़ना बंद कर देते हैं और फिर उस आदमी को जाने देते हैं अब रोहन जो है ये देखकर अपने बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि उसके पापा का इस तरह का रिएक्शन देख कर रोहन नोटस्ड हिज फादर नोटिंग डाउन द नंबर ऑफ दैट मोटरसाइकिल ही आस्क हिज फादर डैड वाई आर यू राइटिंग द नंबर ही फादर replied, "Dear सन वी विल नॉट गो अगेंस्ट द लॉ आर constitution हैज़ प्रोवाइडेड us many ways टू हैव आर problems solved." अब रोहन जो है अपने पापा को देखता है कि वो कुछ नंबर लिख रहे हैं मोटरसाइकिल का वो पूछते हैं अपने पापा से पूछता है कि आप ये नंबर क्यों लिख रहे हैं तो उसके पापा उत्तर देते हैं कि बेटा हम कानून के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं और हमारे जो संविधान में बहुत सारे तरीके ऐसे बताए हैं जिससे प्रॉब्लम सॉल्ट हो सकती है he turned the car to the nearest police station there he met the station house officer of that area he further narrated the incidents to the sho rohan was tired, a little upset because of his the incidents of the incident अब वो अपनी कार को मोड़ लेते हैं पास के पुलिस स्टेशन में और वहाँ पर जो उस एरिया के जो पुलिस ऑफिसर होते हैं उनको सारी बात जो है उस घटना के बारे में बताते हैं एस को रोहन थोड़ा सा उदास था कि इस घटना से एज अ फर्स्ट रिएक्शन एस एच ओ सेट देर इज़ नो नीड टू लॉज एन एफ आई आर फॉर सच ऑफ सिले थिंग्स सी द रोहन फादर फोर्स्ड हिम एंड टूक हिम टू सी द स्मैश कार स्मैश्ड कार देन द ऑफिसर गेव हिम द एफ आई आर फॉर्मेट टू फाइल द कंप्लेन आफ्टर लॉजिंग द एफ आई आर रोहन आस्क हेज फादर डेट वाई डिड यू लॉज एफ आई आर वाई डू वी नीड इट Father replied, the very special need of ours is the insurance claim to recover the loss and an FIR is required to for that claim. Rohan asked that now what would the officer do with this FIR? Father told him, first of all, the SHO will record the FIR in his official records and afterward he will investigate about the incident. तो पहले जो है जब रिएक्शन आता है एस एच ओ का वो कहते हैं ज़रूरत नहीं है एफ़ आई आर लिखवाने की छोटी सी चीज़ की अब रोहन के पापा उस पर दबाव बनाकर बोलते हैं कि देखिए मेरी कार कितनी बुरी तरह से ठोक मतलब इसमें टक्कर मारी गई है तो ऑफ़िसर जो है वो ठीक है कंप्लेंट जो है फ़ाइल कर लेते हैं और फिर उसके बाद जब कंप्लेंट लिख जाती है तो रोहन अपने पापा से पूछता है कि हम क्यों लिखवा रहे हैं एफ आई आर इसकी क्या ज़रूरत है फादर uh, उसके पिता ने उत्तर दिया कि uh, बहुत ज़रूरत है हमें हमारे इंश्योरेंस uh, को क्लेम करने के लिए जो भी हमारा नुकसान हुआ है हम उसकी भरपाई कर सकते हैं और एफआईआर बहुत ज़रूरी है ताकि हम uh, उसका क्लेम कर सकें तो रोहन ने पूछा कि डैड uh, अब जो ऑफिसर है उसने एफआईआर लिख ली है तो अभी क्या करना है तो उसने उसके पिता ने बताया कि ये जो एफ है वो एस जो है रिकॉर्ड करता है ऑफिशियली उसके बाद वो इस पूरी घटना की छानबीन करेंगे रोहन आस्ट हिज फादर वट हैव यू रिटर्न ऑन दैट पेज फादर सेट देयर इज अ पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉर लॉजिंग एन एफ आई आर विच इंक्लूड्स कंप्लेन फुल नेम पोस्टल एड्रेस विद पिन कोड थ्रू फैक्ट्स रिलेटेड टू इंसिडेंट आइडेंटिटी नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्सन इन्वॉल्व इन द क्राइम डेट प्लेस एंड टाइम ऑफ ऑकरेंस ऑफ द क्राइम आई विटनेस इफ़ पॉसिबल यानी कि जो रोहन है वो अपने पापा से पूछता है कि जो क्या लिखा जाता है जो एफ आई आर जब लॉन्च की जाती है तब तो फादर ने बताया कि वहाँ पर पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है लॉजिंग एफ आई आर लॉन्च करने का उसमें क्या चीज़ें शामिल होती हैं वो होती हैं जो कंप्लेंट कर रहा है उसका पूरा नाम होता है और उसका पोस्टल एड्रेस होता है फोन पिन कोड के साथ में और जो भी घटना से सच्ची बातें तथ्य होते हैं वो लिखे जाते हैं एंड उसकी पहचान नाम और जो भी पर्सन का जो डिस्क्रिप्शन होता है व्यक्ति का जो इस क्राइम से यानी इस क्राइम से रिलेटेड होता है तो वो उसमें दिया जाता है ब्योरा उसका एंड डेट uh, लिखी जाती है जगह का नाम लिखा जाता है और जिस समय पर वो क्राइम uh, हुआ है वो लिखा जाता है यदि कोई गवाह होता है तो अगर पॉसिबल है तो वो उसका नाम लिखा जाता है उसकी डिस्क्रिप्शन पूरी दी जाती है mm -hmm. रोहन आस्क डैड वट वुड बी वट शुड वी डू इन केस द पुलिस डिनाइड टू रजिस्टर एन एफ आई आर फादर रिप्लाइड इफ़ इन एनी केस ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन Denies to register an FIR, then there are other methods of rescue, such as in such a situation, we can send our report in writing to the senior superintendent of police. We can also meet the superintendent of police or other higher or police officials and bring the complaint to their notice. If still no action is taken, uh, then we can directly file a writ. petition in the high court asking for the registration of the FIR. After uh, the registration of FIR, the police begins its investigation process. अब Rohan ने पूछा कि dad जो भी uh, इस केस से uh, जो police है FIR जो lodge करती है, ठीक है? तो police जब मना कर देती तो father ने कहा उत्तर दिया कि यदि ऐसे केस में कि जैसे पुलिस इंचार्ज होता है पुलिस स्टेशन का अगर वो एफ आई लॉन्च करने से मना करता है तो और भी मेथड्स होते हैं उसको बचने के जैसे कि अब हर एक सिचुएशन में जो है जैसे हम रिपोर्ट अपनी भेजते हैं राइट राइटिंग में सुपरिटेंडेंट यानी कि उससे बड़े अधिकारी होते हैं उनको सुपरिनटेंडेंट ऑफ पुलिस को और उससे पुलिस से मिल भी सकते हैं जो हायर पोस्ट पे होते हैं और अपनी कंप्लेन नोटिस करा सकते हैं यदि फिर भी वो कोई एक्शन नहीं लेता है तो वो डायरेक्टली जो रेट पिटिशन होता है उस हाई कोर्ट में इसके लिए रजिस्ट्रेशन एफ करवा सकता है और उस रजिस्ट्रेशन एफआईआर के बाद जो पुलिस है अपना इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर देती है दस द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन प्लेज अ क्रिशियल रोल इन ब्रिंगिंग द रोंग डोर्स टू द कोर्ट ऑफ लॉ द कोर्ट आफ्टर थ्रू इन्वेस्टिगेशन पनिश द लॉ ब्रेकर्स यानी कि जो पुलिस प्रशासन होता है वो एक बहुत ही अहम रोल निभाता है कोई भी जैसे कि कुछ भी गलत होने पर जैसे कानून का उल्लंघन करने पर तो जो अदालत होती है वो पूरा जो इन्वेस्टिगेशन करती है और जो कानून तोड़ता है उसको फिर सजा देती है